प्रिय विद्यार्थियों, ये जो दोहे हैं ये ढोला मारूरा दोहा से अवतरित हैं। ये मारवाड़ी का संदेशा शीर्षक से ये दोहे लिए गए हैं। इसमें मारवाड़ी का संदेश बताया गया है और मैं इन दोहों को पहले से ही पढ़ाता आ रहा हूँ। तो देखो, इन दोहों को मैं पढ़ करके सुना देता हूँ और इसका अर्थ ही बता देता हूँ। पंथी एक संदेश नहीं, पंथी एक संदेश नहीं लग ढोलई पहचाई, पंथी एक संदेश नहीं लग ढोलई पहचाई, धड़ कमलाणी कमलनी, धड़ कमलाणी कमलनी सूरज उगई आई। इसमें कठिन शब्दार्थ एक दो हैं। देखो, कमलाणी, कमलाणी कहते हैं कमलनी को, जो कुमुदनी होती है या कमलनी होती है उसको कहते हैं कमलाणी। सूरज कहते हैं सूर्य को, उगई माने उदित होना, पंथी एक संदेश नहीं लग ढोले पेचाई, धन कमलाणी कमलाणी सूरज उगई आई। तो देखो, इसमें मारवाड़ी अपने ढोला के लिए संदेश पहुंचा रही है और क्या कह रही है। देखो, मारवाड़ी कहती है कि हे पथिक, हे ढाणियों, ढोला तक मेरा एक संदेश पहुंचा दो, ढोला तक मेरा एक संदेश पहुंचा दो कि तुम्हारी जो प्रेसी है, प्रेमिका है, उस प्रेसी रूपी कमलनी कुमला गई है। जो प्रेसी रूपी कमलनी है वो कुमला गई है, मतलब मुरझा गई है। अर्थात तुम्हारी प्रेसी का जो रूप सौंदर्य है तुम्हारे विरह में पूर्ण तरह से मुरझा गया है। तुम्हारी प्रेसी का जो रूप सौंदर्य है वो फीका पड़ गया है, मुरझा गया है। धन कमलाणी कमलनी सूरज उगई आई, धन कमलाणी कमलनी सूरज उगई आई, तो इस रूप सौंदर्य को फिर से पहले जैसा बनाने के लिए या हरा करने के लिए अब तुम सूर्य की तरह आकर उदित हो जाओ, तुम सूर्य की तरह उदित हो जाओ मेरे रूप सौंदर्य को हरा करने के लिए। जिस प्रकार सूर्य के उदित होने पर कमलनी होती है वो विकसित हो जाती है, कमलनी विकसित हो जाती है, उसी प्रकार तुम्हारा सामीप्य पाकर के मैं प्रसन्न हो जाऊंगी। किसका? ढोला का। अपने प्रियतम का सामीप्य पाकर के वो कमलनी की तरह खिल उठेगी। तो देखो, इसमें गृहिणी की जो लालसा है उसको व्यक्त किया गया है और पति का सामीप्य पाने के लिए वे बहुत ही उतावली हो रही है। इसमें अनुप्रास और रूपक अलंकार का प्रयोग किया गया है। पंथी एक संदेश नहीं लग ढोलई पहचाई, जोवन खीर समुद्र हुई रतंजय काढ़ई आई। जोवन, जोवन आप जानते हैं, जोवन का अर्थ होता है यौवन। ये तद्भव शब्द है और ये तत्सम शब्द है। खीर समुद्र इसका मतलब होता है क्षीर सागर। काढ़ाई मतलब निकालना, काढ़ाई का मतलब निकालना।
तो जोवन माने यौवन, क्षीर समुद्र कहते हैं क्षीर सागर को, और काढ़ी माने निकालना। तो पंथी एक संदेश नहीं, लग ढोले पेचाई, जोवन क्षीर समुद्र हुई, रतन जे काढ़ी आई। रतन कहते हैं जो उसमें मोती वगैरह अनमोल वस्तुएं निकलती हैं, उनको कहते हैं। देखो ये दुहा ढोला मारूरा दुहा से उद्धृत है। इसमें मारवाड़ी, मारवाड़ी होती है वो अपनी संदेश, अपना जो संदेश है वो ढाणियों के माध्यम से अपने प्रियतम ढोला के पास पहुंचाने के लिए कहती है। वह ढोला के पास पहुंचाने के लिए कहती है मारवाड़ी अपने वृह, जो वृह वृह से वृह के जो मनोभाव हैं उनको, वृह के मनोभावों को संदेश के रूप में कहना चाहती है कि हे पथिक, कहना चाहती है कि पंथी एक संदेश नहीं लग ढोले पहुंचाए, जोवन खीर समुद्र भी रतन जय काढ़ी आए। वह कहती है कि हे पथिक एक संदेश मेरा, एक संदेश ढोला तक पहुंचा दो कि अब तुम्हारे बिना यह मेरा जो यौवन है क्षीर सागर हो रहा है, ये जो मेरा यौवन है वो क्षीर सागर की तरह हो रहा है, क्षीर सागर की तरह। तुम आकर के इसमें से रत्न निकालो, मेरा यौवन क्षीर सागर की तरह हो रहा है, क्षीर सागर जितना विस्तृत विशाल होता है उसकी तरह मेरे यौवन फैल रहा है, तुम आकर के उसमें से रत्न निकाल लो, अनमोल अनमोल चीजें निकाल लो। इसमें मारवाड़ी की वृह वेदना की मार्मिक व्यंजना की गई है, और उसकी जो वृह वेदना है वो बहुत ही असहनीय है। इसमें रूपक अलंकार का प्रयोग किया गया है। तो देखो अगला दोहा लेते हैं। पंथी एक संदेशणई लग ढोलई पेचाई, जंघा केलिन फल गई, स्वात जो बरसई आई। देखो केलिन कहते हैं कदली को, जो केला होता है, और फल गई का मतलब पुष्ट हो जाना। तो देखो ये अवतरण ढोला मारवाड़ा दुहा से अवतरित है। इसमें वृह व्यथित मारवाड़ी अपने प्रियतम ढोला के पास अपना संदेश ढाणियों के माध्यम से पहुंचाती है और कहती है कि पंथी एक संदेश नहीं लग ढोले पहचाए, जंगा केलिन फल गई, स्वात जो बरसई आए। हे पथिक मेरा ये संदेश है मेरे प्रियतम ढोला के पास पहुंचा दो कि मेरी जंगा रूपी कदली फल गई है, अर्थात पुष्ट हो गई, इसलिए हे प्रियतम तुम स्वाति बनकर के जल बरसा दो, तुम स्वाति बनकर के जल बरसा दो। उसमें शरीर के अंगों का, शरीर के जो अंग हैं उनका यौवन के कारण वो बहुत ही विकसित हो जाते हैं, और उन अंगों का, विकसित अंगों का यहाँ पर वर्णन किया गया है क्योंकि एक रूपक के माध्यम से जंघा को एक कदली बताया गया है। तो देखो पंथी एक संदेश नहीं लग ढोले पेचाई, सावज संबल तोड़ सही, पैसा सड़न सड़ई न जाई। मारवाड़ी कहती है कि हे पथिक मेरा एक संदेश है जो वह ढोला तक जरूर पहुंचा देना कि अब जो यौवन रूपी जो हिंसक पशु है मेरा, इस यौवन को एक हिंसक पशु बताया गया है। यौवन को क्या बताया है? एक हिंसक पशु बताया गया, जो यौवन रूपी हिंसक पशु है वो सांकल तोड़ने को बेचैन हो रहा है, अपनी सीमा को पार करने के लिए बेचैन हो रहा है, अब उस पर वो सहन नहीं हो पा रहा है। उसका यौवन है, उस यौवन की सीमा आ चुकी है, वो परिपक्व पहुंच अपनी परिपक्व अवस्था पर पहुंच चुका है,
इसलिए हे प्रियतम तुम अब अति शीघ्र आ जाओ, क्योंकि अब इसे दिलासा देकर के किसी भी प्रकार से शांत नहीं किया जा सकता है। अब इसको तुम विश्वास दो, दिलासा दिलाओ, तो ये किसी प्रकार अब शांत नहीं होगा, अब तो तुम्हें आना ही पड़ेगा। इसमें मारवाड़ी की बृह वेदना को संकेत रूप में कहा गया है और इसकी अतिशयोक्ति की गई है। इसमें जो उसकी बृह अग्नि है वह बहुत ही असहनीय हो गई है और उस पर सहन नहीं हो रही है, तो इसमें मारवाणी ने अपना जो बृहाग्नि है उसके विषय में बताया है कि मेरे शरीर में जो बृहाग्नि बहुत तेज हो रही है, अब वो सहन नहीं हो सकती है, वो असहनीय हो गई है, अब तो ढोला को अपने प्रियतम को अपने सामीप्य देखना बहुत जरूरी है। इसमें अनुप्रास रूपक अलंकारों का प्रयोग किया गया है। धन्यवाद।